नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। एक साल पहले आज ही के दिन भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। इसके साथ ही उसे दिए गए विशेष अधिकार भी वापस ले लिए गए थे। उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यहाँ तक कि एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा जारी करते हुए कश्मीर के विवादित क्षेत्रों को अपना बता डाला है। इसके बाद बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत का पिछले साल उठाया गया कदम एक बड़ी भूल थी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फंस गए हैं। खान ने बुधवार को कहा है कि कश्मीर को भारत से जल्द आज़ाद करा लिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को एक बड़ी गलती की। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को पहले आर्टिकल 370 हटाने में डर लग रहा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हिंदूवादी वोट बैंक को खुश करने के लिए इतना गलत कदम उठा लिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार को लगा था कि कश्मीर में आरएसएस के ठगों को आतंकवाद के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिससे कश्मीर हार मान लेगा। खान ने कहा कि मोदी को लगा कि पाकिस्तान चुप रहेगा क्योंकि वह दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आने से पहले जब भारत कश्मीर में पेलेटिन इस्तेमाल कर रहा था तब उसकी कोई बात नहीं कर रहा था, पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर रहा था और संयुक्त राष्ट्र भी नहीं। उन्होंने कहा कि भारत ने अहंकार में 5 अगस्त को कदम उठाया। पीएम मोदी को लगा कि दुनिया भारत का साथ देगी क्योंकि पश्चिम चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को पाकिस्तान सरकार ने देश का नया नक्शा पेश किया है, जिसमें न सिर्फ उसने कश्मीर के विवादित क्षेत्रों को अपना बताया बल्कि गुजरात के जूनागढ़, मनवादर और कच्छ के रण में सर क्रीक पर भी अपना दावा ठोका है। कश्मीर में जहां उसने सियाचिन को अपना बताया है, वहीं ऐसे इलाके जहां चीन की सीमा है उन्हें अनडिफाइंड फ्रंटियर करार दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।